वन। दोस्तों KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स और इसी जगह के नाम पर KGF मूवी बनाई गई। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में सबसे पहले बिजली इसी जगह पर आई थी, क्योंकि यहाँ बड़ी मशीनों को चलाने के लिए बिजली की जरूरत पड़ती थी। हैरानी की बात तो यह है कि उस समय पूरे एशिया में सिर्फ जापान के टोक्यो शहर में ही बिजली हुआ करता था। बिजली के लिए भारत का सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया। जब प्लांट से बिजली का उत्पादन शुरू हुआ और वो जरूरत से ज्यादा था, इसलिए बिजली को आसपास के शहरों को दिया गया और बैंगलोर देश का पहला शहर बना जहां बिजली पहुंची। दोस्तों, क्या आप इससे पहले इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। दोस्तों, हाल ही में मशहूर डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स की सफलता के बाद अपनी नई फिल्म द दिल्ली फाइल्स पर काम शुरू कर दिया है। और विवेक रंजन ने जैसे ही अनाउंसमेंट की, सोशल मीडिया पर एक तरीके से सुनामी आ गई। अब लोग दिल्ली फाइल्स की कहानी को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। कुछ लोग तो दिल्ली फाइल्स को साल 2020 में दिल्ली में हुई घटना से जोड़ रहे हैं, लेकिन सच बात तो यह है कि ये घटना 2020 की है ही नहीं, बल्कि 1984 की है, जहां सिख और हिंदू भाईचारे का अटूट संगम दिखाने को मिला था, जिसका सच भी लोगों को पूरी तरह से पता नहीं। गाइस, अक्सर हम जब भी नहाने के साबुन की चर्चा करते हैं तो हमारे दिमाग में डेटोल का नाम जरूर आता है, और आए भी क्यों ना। डेटोल इस वक्त इंडिया में नंबर वन सोप ब्रांड है। दरअसल इसके पीछे की वजह यह है कि डेटोल के ज्यादातर एड्स में एक लेडी को माँ के रोल में बताया जाता है, क्योंकि डेटोल जानता है कि घर में साबुन कौन सा हो, ये फैसला घर में एक माँ ही करती है। और एक माँ को अपने बच्चे की हेल्थ की चिंता बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए डेटोल अपनी एड में जर्म्स, बैक्टीरिया और बीमारियों जैसे शब्द का इस्तेमाल भी करता है। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि पिछले 90 सालों में डेटोल का लोगो, एंटीसेप्टिक कलर, स्मेल और पानी में डालने के बाद क्लाउडिंग इफेक्ट सेम ही है, जिस वजह से इंडिया की हर जनरेशन डेटोल से जुड़ती चली गई। गाइज, डेटोल की स्ट्रेटजी से एक बात बहुत क्लियर है कि कोई भी कंपनी सक्सेसफुल तब बनती है जब वो अपने कस्टमर की साइकोलॉजी को समझती है। हमें अब क्या गिराएंगी ये छोटी मोटी मुश्किलें, हमने तो चलना भी ठोकरों से सीखा है। कुछ इसी तरह का जज्बा है उत्तराखंड के प्रदीप मेहरा का, जो महज 19 साल का है। दरअसल प्रदीप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने बनाया है। इस वीडियो में प्रदीप ने अपने कंधे पर बैग टांगा हुआ है और वो सड़क पर तेजी से दौड़ रहा है। रात के 12 बजे प्रदीप को इस तरह से दौड़ते देख विनोद कापड़ी ने उसे लिफ्ट देने का ऑफर दिया, लेकिन प्रदीप ने मुस्कुराते हुए इसे इनकार कर दिया और कहा कि वो दौड़ते हुए ही अपने घर जाएगा। विनोद ने जब ये पूछा कि ऐसा क्यों, तो प्रदीप ने बोला कि वो सेना में भर्ती होना चाहता है और काम की वजह से उसे प्रैक्टिस करने का समय ही नहीं मिल पाता, जिस वजह से वो ड्यूटी खत्म करके घर इसी तरह से जाता है। इससे उसकी दौड़ने की प्रैक्टिस भी हो जाती है। गाइस, यही नहीं, प्रदीप की माँ का इलाज भी चल रहा है, बावजूद इसके वो अपने सपने, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। दिल से सलाम हो ऐसे हौसले को।